दोस्तों जब भी आप अपने फोन का डायलर पैड ओपन करते हैं तो इसी प्रकार का दोस्तों आपको डायलर पैड देखने को मिल जाता है। बैकग्राउंड में व्हाइट या फिर ब्लैक कलर का वॉलपेपर होता है और एकदम सिंपल सादा सा ये पूरा का पूरा फोन डायलर होता है। और आजकल के सभी फोन में ऐसा ही डायलर पैड देखने को मिल जाता है, जो कि एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा बोर आ गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से दोस्तों ऐसा ही डायलर पैड हम यूज करते करते बोर आ गए हैं। तो अगर आप दोस्तों अपने फोन का डायलर पैड में कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, इस प्रकार का दोस्तों बनाना चाहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस फोन का जो डायलर पैड है वो बिल्कुल न्यू स्टाइल में है। हमने बैकग्राउंड में अपना फोटो लगाया है और जो यहाँ पर दोस्तों नंबर डायल करने वाला है वो भी आप देख सकते हैं कितना कमाल का दिख रहा है। उसके साथ साथ जब हम स्लाइड करेंगे जो हमारा कॉन्टैक्ट मींस कॉल हिस्ट्री होता है उसके बैकग्राउंड में भी दोस्तों हमें फोटो देखने को मिल जाता है, जो कि दिखने में काफी कमाल का लग रहा है ना। कंपेयर करेंगे दोनों को, आप यहाँ पर देख लीजिए तो कौन बेटर लग रहा है। देख रहे हो जो हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट है जहां पर हमने नंबर को सेव कर रखा है उसके बैकग्राउंड में भी दोस्तों हमारा फोटो आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप अपना फोटो लगा सकते हैं, किसी का भी आसानी से यहाँ पर फोटो लगा सकते हैं, जो कि दिखने में काफी कमाल का लगता है। मतलब कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का मींस हमारा फोन डायलर होता है उसके कंपैरिजन में ये वाला लाख गुना बेटर है। तो ये वाला अगर आप अपने फोन में डायलर पैड सेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने फोन के डायलर पैड में अपना फोटो लगाएंगे। जहां पर हम नंबर डायल करते हैं, जो कॉल हिस्ट्री होती है, जो हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, उसके बैकग्राउंड में अपना फोटो कैसे हम लगाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपके फोन के अंदर ये जो डायलर पैड है इसे यहाँ से आपको इस प्रकार से हटा देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको हटाना है और अपने फोन में इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। कैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसे डाउनलोड करने के बाद इसे आपको उसकी जगह पर इस प्रकार से रख देना, जैसा कि आप यहां पर देख लीजिए। उसके बाद आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो यहां पर कुछ इंट्रोडक्शन आता है, तो इस प्रकार से आपको टैप टैप करके इसे स्किप करते जाना है, जैसा कि आप यहां पर देख लीजिए। अब यहां पर डबल प्रेस करना है, उसके बाद यहां पर आप देख लीजिए, अब आपसे कुछ ये परमिशन मांगेगा, तो ये सभी परमिशन आपको एक एक करके अलाउ कर देना है, जैसा कि आप यहां पर देख लीजिए, ठीक है। एक एक बार आप इस पर टाइप करेंगे तो ये परमिशन अलाउ हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं। और ये लास्ट में दोस्तों आता है फोन स्टेट, से भी आपको इस प्रकार से परमिट कर देना है। ये सभी परमिशन देने के बाद आपको इस प्रकार से बैक करना है। उसके बाद यह एप्लीकेशन इस प्रकार से ओपन होता है, इसका इंटरफेस आप यहां पर देख सकते हैं। कुछ ऐड वगैरह आता है तो इसे आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं। अब आपको यहां पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक कॉलर, दूसरा डायलर, यानी कि कॉलर स्क्रीन पर जो इनकमिंग कॉल आता है उस पर भी दोस्तों आप अपना फोटो लगा सकते हैं। उसके बाद आता है डायलर, डायलर पैड पर भी अपना फोटो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलर स्क्रीन का देखेंगे, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। वापस से इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बैकग्राउंड के बटन पर क्लिक करना है। अब आपको पिक इमेज के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर पिक इमेज के ऊपर क्लिक करके आप जो भी फोटो लगाना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ये फोटो लगाना चाहते हैं तो इसे यहाँ पर इस प्रकार से सेट करना है। इसे आप चाहिए तो क्रॉप भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको चाहिए आप इसे आप एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं। फिर अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है और ये सक्सेसफुली आपके फोन में मतलब कि ये अप्लाई हो जाएगा। आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये सक्सेसफुली यहां पर अप्लाई हो चुका है। अब जब भी हमारे फोन पर कॉल आएगा ना तो जो कॉल स्क्रीन है कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जैसा कि बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं हमारा फोटो है। पहले जब भी हमें कॉल आता था तो ऐसे में आपने भी देखा है जो बैकग्राउंड होता है वहां पर दोस्तों ब्लैक या फिर व्हाइट बैकग्राउंड होता है, जो कि बोरिंग लगता है। लेकिन इस प्रकार का दोस्तों आप बना सकते हैं, यहां पर आप किसी का भी फोटो लगाना चाहे आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने पहले कॉलर स्क्रीन पर अपना फोटो लगा दिया है। अब हम बात करते हैं डायलर पैड पर अपना फोटो कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए आपको यहां से बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों अब आपको डायलर पैड के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपको डायलर दिखाई देगा, तो आपको यहां पर क्लिक करना है। उसके बाद बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। वापस से दोस्तों आपको पिक इमेज के ऊपर क्लिक करना है, यहां पर आपको अपना इमेज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम दोस्तों अपना जो डायलर पैड है उस पर ये फोटो लगाना चाहते हैं तो इसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रॉप कर लेते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए ये भी सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है। अब आपको ओके के बटन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद अब आपको यहाँ से पूरा का पूरा बैक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका डायलर पैड हो गया है। यहाँ पर दोस्तों इनकमिंग कॉल जो आएगा वहाँ पर भी हमने अपना बैकग्राउंड में फोटो लगा दिया है और जो डायलर पैड है यहाँ पर भी अपना फोटो लगा दिया है। अब आपको पूरा
पूरा का पूरा बैक कर देना है, हमारा काम खत्म हो गया। जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको बैक कर देना है। अब जब भी दोस्तों आप अपने फोन का डायलर पैड ओपन करेंगे तो इस प्रकार का दोस्तों आपको आपका डायलर पैड देखने को मिलेगा। यहाँ से दोस्तों आसानी से आप नंबर डायल करके कॉल कर सकते हो। और इस प्रकार से आप यहाँ पर मतलब की स्लाइड करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आप स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कॉल हिस्ट्री आ जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। कॉल हिस्ट्री के पीछे भी आपका फोटो रहेगा और यहाँ पर जो आपके फोन में मतलब कि नंबर सेव है उसके पीछे भी, यानी कि कॉन्टैक्ट लिस्ट के पीछे भी दोस्तों आपका फोटो रहेगा। जो पहले बोरिंग हमारा पूरा का पूरा फोन डायलर था, वो एक नए लुक में हो गया है, एकदम नया का नया बन चुका है, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ना पूरा का पूरा लुक बदल चुका है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने फोन डायलर को एक नया लुक दे सकते हैं अपना फोटो लगाकर। यहाँ पर आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी फोटो लगा सकते हैं, दोस्तों का फोटो लगा सकते हैं, जिसका भी आप लगाना चाहें उसका फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। काफी कमाल की ट्रिक लगी मुझे, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर ये जो ऐप है, ये जो हमारा फोन डायलर है, इसे हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसे डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से इजिली आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये बिल्कुल सेफ डायलर है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो इससे आपको कोई भी मतलब कि बोल सकते हो ना सिक्योरिटी में कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।